बुलेटप्रूफ जैकेट का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक हैवी मटेरियल से बना हुआ होता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये 100% प्रोटेक्टिव नहीं होता। गोली आपको लगती है जिस्म में घुसे ना घुसे, लेकिन आपको प्रेशर जरूर बिल्ड करती है। मिसाल ऐसी है कि अगर आपने हेलमेट पहना और माइक टायसन का पंच अगर आपको हेलमेट पे लगे तो डेफिनेटली उसका शॉक तो आपको महसूस होगा। जो पिस्टल की गोली है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपको उसकी स्पीड लगती है, अगर राइफल की गोली है 1 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपको हिट करती है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि एक बड़ा ट्रॉलर अगर वो आपकी गाड़ी को हिट करे या एक छोटी गाड़ी आपको हिट करे, दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है। हो सकता है पिस्टल की गोली से आप ना मर सकें या इंजर्ड हो सकें, लेकिन राइफल की गोली डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगी। ये बेसिकली आपके टोर्सो बॉडी को सेव करता है, आपका हेड ओपन होता है, आर्म्स और लेग्स ओपन होती हैं, इसका शॉकिंग इफेक्ट डेफिनेटली आपको होता है और आपकी कोई भी स्किल या हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसका एक ही आसान रीजन है कि जहां फायरिंग हो वहां से भाग जाओ और इस पर रिलाय ना करो।